दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टॉप अपडेट्स के बारे में। जी हां भाई, तो पहला अपडेट ये रहा, ऑनलाइन ई प्रवेश में अब तक कुल 4,12,575 छात्र पंजीयन करा चुके हैं। जी हां भाई, यानी कि रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। महाविद्यालयों का विकल्प देने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या 3,67,917 है। जी हां भाई, यानी कि इन लोगों ने यहां पे चॉइस फिलिंग करा दिए। आज दिनांक तक 92,889 विद्यार्थी प्रवेश ले चुके हैं। जी हां भाई, 92,886 लोगों ने, यानी कि स्टूडेंट ने अभी यहां पे एडमिशन ले लिया है। दोस्तों फीस की हम लोग बात करते हैं, यहां पे आप लोग देख लीजिए, मध्य प्रदेश का पहला राज्य जिसने छात्रों को 1,000 रुपये भरकर महाविद्यालय में प्रवेश लेने की सुविधा दी है। विद्यार्थी बाद में परीक्षा काल तक फीस भर सकता है। जी हाँ भाई, यदि आपके रिश्तेदार हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं तो भाई 1,000 रुपये की फीस भरिए और एडमिशन ले लीजिए। विद्यार्थियों की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए स्नातक या स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में ऑनलाइन प्रवेश के समय प्रवेश शुल्क की प्रथम किस्त की राशि न्यूनतम रुपये 1,000 रुपये जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है। जी हाँ भाई, तो भाई सेकेंड अपडेट ये रहा, स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम हेतु आकाशवाणी के माध्यम से व्याख्या का प्रसारण किया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ भाई, आने वाले टाइम में ग्रेजुएट लेवल पे जो भी कोर्स होते हैं उनकी है जो आकाशवाणी के माध्यम से क्लासेस होने वाली है, जो कि अभी प्रस्तावित है। दोस्तों जिस तरह एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए 9 से लेकर 12 तक की क्लासेस बिल्कुल डीडी नेशनल पर फ्री चल रही हैं, तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप लोग की भी यहाँ पे फ्री चलने वाली है। जी हाँ भाई, तो भाई थर्ड अपडेट ये रहा, ओपन बुक परीक्षा के संबंध में बताया कि प्रश्न पत्र संबंधित विश्वविद्यालय पोर्टल या SIS पर अपलोड किया जाएगा। प्रदेश में महाविद्यालयों या फिर हाई सेकेंडरी या हाई स्कूल को सम्मिलित करते हुए 1,000 से अधिक उत्तर पुस्तिका संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। जी हां भाई, फोर्थ अपडेट ये रहा, स्नातक अंतिम वर्ष एवं स्नातकोत्तर चतुर्थ सेमेस्टर के लिए ओपन बुक परीक्षा के प्राप्तांक का 50% तथा पूर्व वर्षों के प्राप्तांक का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हाँ भाई, यदि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो भाई जो ओपन बुक परीक्षा से एग्जाम होने वाला है उसका 50% मार्क्स जुड़ने वाले हैं और जो 50% मार्क्स हैं आपके पुराने रिजल्ट को देखकर दिए जाएगा। जी हाँ भाई, फिफ्थ अपडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप लोग के कमेंट्स भी बहुत सारे आते हैं। स्नातक प्रथम वर्ष या द्वितीय वर्ष एवं स्नातकोत्तर द्वितीय सेमेस्टर के परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम आंतरिक मूल्यांकन का 50% तथा विगत सत्र या सेमेस्टर के प्राप्तों का 50% जोड़कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा। जी हां भाई, 50% आपको पुराने मार्क्स के अकॉर्डिंग मिलेंगे और जो 50% है आंतरिक मूल्यांकन आपका होने वाला है, यानी कि जिसमें आपके असाइनमेंट भी सम्मिलित है। जी हाँ भाई, कॉलेज वाले अब आपसे असाइनमेंट लेने वाले हैं तो आपको असाइनमेंट सबमिट करना होगा और उसी के बेसिस पर आपको 50% मार्क्स मिलने वाले हैं। दोस्तों सिक्स अपडेट ये रहा, समस्त पाठ्यक्रमों की परीक्षाएं 30 सितंबर 2020 तक पूर्ण कर ली जाएगी। समस्त पाठ्यक्रमों के परीक्षा परिणाम 30 अक्टूबर 2020 तक घोषित किए जाएंगे। जी हाँ भाई, 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आने वाला है। जी हाँ मेरे भाई, यानी कि 30 अक्टूबर का फाइनल ईयर वालों का रिजल्ट यहाँ पे आने वाला है, चाहे आप यूजी के हैं या फिर पीजी के। सेवंथ अपडेट मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है भाई, तो सभी विश्वविद्यालयों द्वारा समय सारणी घोषित कर दी गई है। जी हाँ भाई, समस्त पाठ्यक्रमों के प्रश्न पत्रों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है। आंतरिक मूल्यांकन एवं असाइनमेंट के लिए प्रश्नों का चयन महाविद्यालय स्तर पर पूर्ण कर लिया गया है। जी हाँ भाई, सभी कॉलेज वालों ने आपके लिए असाइनमेंट के जो भी क्वेश्चन होने वाले हैं उन्होंने डिजाइन कर लिए, यानी कि उनको बना लिए, तो भाई आप लोग यहाँ पे तैयार हो जाइए। दोस्तों आठवें अपडेट की हम लोग बात करें तो ये रहा अपडेट, यहाँ पे ऑनलाइन कक्षाओं के बारे में बताया गया है। ऑनलाइन कक्षाओं के संचालन को लेकर बताया कि 1 अक्टूबर 2020 से नवम्बर 2020 तक ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाएगा। ई पाठ्य सामग्री विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। जी हां भाई, नवंबर तक का इन्होंने बताया है, यानी कि नवंबर तक तो कोई भी स्कूल खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो भाई यहां पे एक अपडेट और देख लीजिए, स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम हेतु गूगल मीट या वेबएक्स
यह माइक्रोसॉफ्ट के माध्यम से छोटे छोटे समूह में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन किया जाना प्रस्तावित है। जी हाँ भाई, ऑनलाइन क्लासेस होने वाली है। उच्च शिक्षा विभाग द्वारा संचालित वर्चुअल कक्षाओं के YouTube वीडियो विद्यार्थियों हेतु उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है। यानी कि बहुत ही आने वाले टाइम में, यानी कि बहुत ही कम समय में YouTube पर भी यहाँ पे ये कार्य प्रस्तावित होने वाला है। दोस्तों आप लोग बिल्कुल टेंशन मत करिए। तो फ्रेंड्स यही पूरे अपडेट है जो कि मैंने आपको दे दिए, और यदि आप चाहते हो कि इसी प्रकार के अपडेट्स आपको मिलते रहें तो फ्रेंड्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, मैं आपके लिए पर डे एक वीडियो बना दूंगा टॉप अपडेट्स के बारे में। जी हाँ मेरे भाई, तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।